हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। गाइस, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं सोनी का HT A9 होम थिएटर। गाइस, इसके साथ दो ऑप्शन आते हैं, आपको अगर सब ऊपर लेना है, जिसमें एक आता है 200 वॉट का, एक आता है 300 वॉट का। मैंने इसके साथ 300 वॉट का एक सबवूफर लिया। गाइस, प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसका ऑनलाइन प्राइस दिखा देता हूँ। मैं जो आपको इसका प्राइस दिखा रहा हूँ, ये सोनी की वेबसाइट पे है। यहाँ पे इसका प्राइस है 169,990 का, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है, जिसमें सिर्फ आपको 4 स्पीकर और मेन यूनिट और रिमोट वगैरह मिलेगा। बट अगर आप इसको सबवूफर के साथ लेना चाहते हैं तो ये इसका ओरिजिनल प्राइस है 199,980 का, और अगर आप SW5 सबवूफर लेना चाहते हैं तो ये 231,980 का पड़ेगा। बट क्योंकि अभी इस पर ऑफ़र चल रहा है तो ये आपको और सस्ते में मिल जाएगा, 197,980 वाला। बॉक्स के फ्रंट पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सोनी का HT A9 होम थिएटर सिस्टम है, जो कि डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, 360 रियलिटी ऑडियो, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, 360 स्पेशियल साउंड मैपिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के बैक साइड पे दो डायग्राम हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को दिखाते हैं, और नीचे की तरफ हमें इसके ऑडियो फॉर्मेट्स और इसके सारे फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, 360 रियलिटी ऑडियो, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, हाई रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो, 8K 60fps, 4K 120fps, डेसी एक्सट्रीम, म्यूजिक सेंटर ऐप, HDMI, EARC, एप्पल एयरप्ले, स्पॉटिफाई, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, अमेजोन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। बॉक्स के राइट साइड में बॉक्स कंटेंट बताए गए हैं। एक कंट्रोल बॉक्स है, 4 एक्टिव स्पीकर्स हैं, 5 AC पावर कॉर्ड्स हैं, एक AC अडेप्टर है, एक रिमोट कंट्रोल है, 2 बैटरीज हैं, एक HDMI केबल है, एक ऑडियो केबल है, और 6 प्रोडक्ट यूजर डॉक्यूमेंट्स हैं। जब तक मैं इसका बॉक्स खोलता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉक्स के टॉप पे हमको एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कार्ड मिलता है, तो आगे खोलते हैं। तो ये हमारी मेन यूनिट है, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं जो कि सेटअप करते समय काम में आएंगे। बाकी मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। टॉप पे सोनी की ब्रांडिंग दी गई है, साइड में वेंट्स दिए गए हैं, सामने एकदम फ्लैट है, लेफ्ट साइड में भी वेंट्स हैं, बॉटम में डिटेल्स दी गई हैं थोड़ी सी। बाकी नीचे रबड़ पैड्स दिए गए हैं, जिससे जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ स्क्रैच भी नहीं आएंगे और स्लिप भी नहीं होगा। बैक साइड में गाइस इसके पोर्ट्स हैं सारे, आप पोर्ट्स देख सकते हैं, पावर पोर्ट, HDMI इन जो 4K 120fps और 8K 60fps को सपोर्ट करता है, HDMI आउट, EARC और ARC को ये सपोर्ट करता है, LAN पोर्ट, अपडेट पोर्ट, USB से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे S सेंटर आउटपुट पोर्ट है, जो आजकल के न्यू सोनी के TV आते हैं वो भी इसके साथ कंपैटिबल हैं, और मेन यहाँ पे है पावर बटन। गाइस, बॉक्स खोलते ही हमको ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सोनी के होम थिएटर के, एक स्टार्टअप गाइड मिलती है, एक कॉम्पैक्ट रिमोट मिलता है, 4 AC कॉर्ड्स मिलती हैं जो कि हमारे स्पीकर्स को पावर देती हैं, 2 पेंसिल सेल्स मिलती हैं हमारे रिमोट के लिए, ये हमारा मेन पावर अडेप्टर है और पावर कॉर्ड है जो हमारी मेन ब्लैक यूनिट को पावर अप करेगा। हमें एक हाई क्वालिटी HDMI केबल मिलती है जो कि 4K 120fps और 8K 60fps को सपोर्ट करती है। को एक और केबल मिलती है इसमें, 3.5mm ऑडियो केबल, ये सेंटर आउट पोर्ट से TV को कनेक्ट करने के लिए।
कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में इसमें स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्विटर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं। ऊपर की तरफ इसमें टॉप फायरिंग स्पीकर्स हैं। ये आवाज़ स्पीकर से निकलती है और सीलिंग से लड़के आपके कान तक पहुँचती है, जिससे एक डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट क्रिएट होता है। गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब में पोर्ट दिया गया है, ये इनका पावर पोर्ट है। वैसे ये स्पीकर्स अपने मेन यूनिट के साथ वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, बट इनको हमको पावर एक सॉकेट से देनी पड़ती है। और गाइस यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, सभी में एक हुक टाइप का बना हुआ है, ये केबल मैनेजमेंट के लिए। जब आप स्पीकर को रखेंगे तो उस हुक से आपकी जो पावर कॉर्ड होगी वो निकल के आएगी। उसके बाद यहाँ पे गाइस सब में दो बटन दिए गए हैं, पावर बटन और लिंक बटन। ये चारों स्पीकर में दो दो बटन दे रखे हैं इन लोगों ने। और यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिससे आपको स्पीकर को सेट करते समय आसानी होगी और आप गलत स्पीकर गलत जगह नहीं रखेंगे। गाइस बैक साइड में कवर दिया गया है सब में। ये कवर के पीछे एक बॉल माउंट पोर्ट है और एक स्टैंड पोर्ट है। काफ़ी लोग अपने स्पीकर को स्टैंड पर रखते हैं तो उसके लिए एक पोर्ट दिया गया है, और काफ़ी लोग अपने स्पीकर को वॉल माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एक पोर्ट है। तो गाइस मैंने आपको होम थिएटर के सारे बॉक्स कंटेंट दिखा दिए हैं। ये होम थिएटर की सब वूफर यूनिट है। मैं इसकी बबल रैप पैकेजिंग को हटा देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस ये SW5 सब वूफर है जो ऑप्शनल है सोनी HT A9 के साथ। गाइस यहाँ पे राइट साइड में मॉडल नेम है इसका, क्वांटिटी दी गई है, और बॉक्स में क्या क्या है, एक सब वूफर है, एक उसकी पावर कॉर्ड है, एक प्रोडक्ट यूजर डॉक्यूमेंटेशन है। बॉक्स के राइट साइड पे इसके फीचर्स बताए गए हैं। क्लियर पावरफुल बेस है, डीप बेस है, लेस डिस्टॉर्शन। बॉक्स को जल्दी से खोल लेते हैं। लास्ट टाइम की तरह बॉक्स को खोलते ही हमको एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कार्ड इसका मिल जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि बॉक्स को हमें कैसे खोलना है। इसकी दो स्ट्रैप्स होंगे, इनको हमें काट के नहीं खोलना है, इनको हमें उठा लेना है, बॉक्स से बाहर निकाल लेना है और अंदर। ये इसकी इंस्टॉलेशन के मैनुअल्स हैं। गाइस देखने से फर्स्ट लुक में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। साइड में इसमें क्लॉथ है, बैक साइड में भी क्लॉथ है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है, यहाँ पे दो स्विचेस हैं, पावर बटन और लिंक बटन, और नीचे की तरफ पावर कॉर्ड लगाने की जगह दी गई। राइट और लेफ्ट में लेदर का टच है और सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। बॉटम पे रबड़ फीट्स दिए गए हैं चारों तरफ, जिससे कि जब बेस प्रोड्यूस करे सब वूफर तो एक ही जगह स्टेबल रहे। गाइस नीचे की तरफ थोड़ी जगह भी दी गई है जिससे आप सब वूफर को आराम से उठा सकते। मैंने इसका 360 ओवरव्यू आपको दिखा दिया है। अब मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, पर तब तक आप इसके कुछ शॉट्स देखिए। By the sounds I'm breathing in.
तो गाइज ऑप्टिमाइजेशन ख़त्म होने के बाद हमको एक इंस्टेंट डेमो दिया जाता है जिसमें कि आप ऑडियो को 360 स्पेशियल साउंड मैपिंग के साथ सुन सकते हैं। इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आप इसका यूआई देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड है। वॉच में आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला टीवी का, दूसरा है एचडीएमआई का। टीवी में आपकी वो आवाज़ आएगी जो आप टीवी पे कुछ चला रहे होंगे, और एचडीएमआई में वो आवाज़ आएगी अगर आप एचडीएमआई इन पोर्ट से कुछ चलाएंगे। लिसन में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला ब्लूटूथ का, दूसरा स्पॉटिफाई का, तीसरा क्रोम कास्ट बिल्ट इन का, चौथा अमेजोन एलेक्सा, और पाँचवा 360 रियलिटी ऑडियो का। सेटअप भी आपको दो टाइप के मिल जाते हैं, एक ईजी सेटअप जो जल्दी से हो जाएगा, और दूसरा एडवांस सेटिंग है जिसमें आप अंदर जाके और भी सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पीकर सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, एचडीएमआई सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, रीसेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। स्पीकर्स को भी आप दो तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, पहला ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन। ऑटो में ऑटोमेटिकली सब ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, मैनुअल में आपको खुद करना पड़ेगा। आप टीवी की लोकेशन बदल सकते हैं, आप अपने सीटिंग पोजीशन की लोकेशन बदल सकते हैं, आपकी जो सीलिंग हाइट होगी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सब वूफर से वॉइस कितनी दूर तक आनी है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्पीकर कनेक्टेड है, कौन सा स्पीकर नहीं कनेक्टेड है, आपका सब वूफर कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। आप होम थिएटर को अपडेट भी 3 तरीके से कर सकते हैं, नेटवर्क अपडेट, यूएसबी अपडेट, वायरलेस स्पीकर अपडेट। तो अब मैं आपको इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। इस होम थिएटर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रो है कि इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल लेआउट है, क्योंकि जब भी हम एक होम थिएटर सिस्टम को सेटअप करते हैं तो हम लोगों को स्पीकर्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना पड़ता है, बट जब भी हम इन स्पीकर्स को सेटअप करते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है। उसके बाद भी ये स्पीकर परफेक्टली ऑप्टिमाइज होकर आपको एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं। इसका एक और बड़ा प्रो है कि ये 7.1.4 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के होम थिएटर सिस्टम्स में आता है। इसके और प्रोज हैं कि ये ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है, DTS:X, डॉल्बी एटमॉस, 360 रियलिटी ऑडियो, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स ये सपोर्ट करता है, और ऑलमोस्ट सारे म्यूजिक प्लेइंग ऐप्स भी ये सपोर्ट करता है, जैसे कि स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, अमेजोन एलेक्सा। इसके कुछ बहुत ही बड़े कॉन्स हैं कि इसमें हम 3.5 mm ऑडियो केबल से कोई भी गाना नहीं प्ले कर सकते, हमें वायरलेसली ब्लूटूथ के जरिए ही प्ले करना पड़ेगा। ये वैसे कहने के लिए तो वायरलेस सिस्टम है, बट ये पूरी तरीके से वायरलेस नहीं है, क्योंकि आपको हर स्पीकर को पावर करने के लिए पावर कॉर्ड कनेक्ट करनी ही पड़ेगी। सोनी को यहाँ पे कुछ बैटरीज लगा देनी चाहिए थी स्पीकर में, जिससे ये पूरी तरीके से वायरलेस हो सकता था। इसका तीसरा बड़ा कॉन है कि ये सिर्फ एक ही कलर में आता है, अगर इसमें और शेड्स हो तो आप अपना फेवरेट कलर का होम थिएटर सिस्टम ले पाते। तो गाइस फाइनली डिस्कस कर लेते हैं ये होम थिएटर सिस्टम किन किन लोगों को ले लेना चाहिए। ये होम थिएटर सिस्टम उन लोगों को लेना चाहिए जिनका बजट हाई है, जिनके पास होम थिएटर बनाने के लिए जगह कम है, या फिर वो अपने लिविंग रूम को ही अपना होम थिएटर बनाना चाहते हैं, जिनको होम थिएटर की बहुत सारी वायर्स ना चाहिए हो, एक सिंपलिस्टिक नीट और क्लीन होम थिएटर चाहिए हो। ये होम थिएटर उन लोगों को लेना चाहिए जिनको सीलिंग स्पीकर्स ना चाहिए हो, उनकी जगह टॉप वायरिंग स्पीकर्स चाहिए हो। ये होम थिएटर सिस्टम आपको तब लेना चाहिए अगर आपके पास एक अच्छा सोनी का ब्राविया टीवी हो, या फिर आप एक ब्राविया टीवी लेने का सोच रहे हो। I'm not sure what it is.